डॉक्टर बैंकिंग ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवंबर मंथ के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रहा हमारा आज का पहला पर्सन। फिफ्थ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 कहाँ आयोजन इसका किया जाएगा? इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। इसमें फ्रेंड जो हमारा राइट आंसर होगा ना वो कोलकाता होगा। फिफ्थ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कोलकाता के अंदर किया जाएगा। तो फ्रेंड बता सकते हो आप मुझे यह आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यह 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक किया जाएगा। 5 से 8 नवंबर तक के मध्य किया जाएगा। तो फ्रेंड इसका जो उद्घाटन है ना वो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसका उद्घाटन करेंगे फ्रेंड्स। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका और नन ऑफ दीज। फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर है ये साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर रहेगा। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है ना ये उसका मतलब जो 13वां संस्करण है अंडर 19 वर्ल्ड कप ये जो है ना इसका कौन सा है 13वां संस्करण है, 13th संस्करण इसका है ये। तो फ्रेंड इससे पहले ना ये जो बता देता हूँ आपको होगा कब से कब तक, तो ये 17 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक ये चलेगा फ्रेंड। फ्रेंड इसमें ना जो दक्षिण अफ्रीका जो इसका संस्करण कर रहा है ये दूसरी बार इसका कर रहा है जो हो रहा है ना इसका आयोजन, तो दक्षिण अफ्रीका में दूसरी बार हो रहा है। तो इससे पहले बता सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका में कब हुआ था, तो 1998 के अंदर दक्षिण अफ्रीका ने इसको पहली बार आयोजित किया था। 1998 में इसको पहली बार आयोजित किया था। फ्रेंड एक बात और बता दो मुझे, जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में होगा ना इसमें कितनी टीमें भाग लेगी, कितनी टीमें होंगी इसमें? तो इस बार इसमें 16 टीमें भाग लेगी इसके अंदर, 16 टीमें इसके अंदर भाग लेगी फ्रेंड्स। ओके चलते हैं नेक्स्ट। पहली बार वर्ल्ड T20 में कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया है? फ्रेंड ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, हांगकांग, स्कॉटलैंड। तो इसमें जो फ्रेंड हमारा राइट आंसर होगा ए, पापुआ न्यू गिनी ने क्वालिफाई किया है फ्रेंड। फ्रेंड जो पहले बता देता हूँ पापुआ न्यू गिनी ना केनिया की टीम को हराकर, केनिया की टीम के साथ इनका क्वार्टर फाइनल मैच था उनको हराकर यह इन्हें क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स पापुआ न्यू गिनी ने। फ्रेंड इसमें जो बता सकते हो 2020 में होगा ये वर्ल्ड कप, तो होगा कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके साथ खेलेगा? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। तो फ्रेंड इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ भारत पहला डे नाइट मैच खेलेगा। तो फ्रेंड आप बता सकते हो पहला जो डे नाइट मैच होगा होगा कहाँ, कोलकाता के अंदर होगा, ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर। कहाँ होगा, ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर ये मैच होगा फ्रेंड्स। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी टॉप 10 सीईओ की लिस्ट में कितने भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो टॉप 10 में जो फ्रेंड है ना 3 भारतीय शामिल हैं। आप 3 भारतीयों के नाम बता सकते हो मुझे, क्या क्या नाम उनका? तो शांतनु नारायण। तो ये कौन से नंबर पे है, तो ये 6th पोजीशन पे है। और ये किस कंपनी के सीईओ है, तो ये है अडोबी कंपनी के सीईओ हैं। अडोबी कंपनी ये है क्या फ्रेंड? और दूसरे बता सकते हो कौन है, अजय बंगा जी
इसमें कौन से नंबर पे है, सेवन्थ नंबर पर है। अजय बंगा जी कौन से नंबर पे है, सेवन्थ नंबर पे है। तो बता सकते हो किस कंपनी के सीईओ हैं, तो यह है मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। तो फ्रेंड आपके पास एटीएम कार्ड आता है ना मास्टर कार्ड, ये उसी के सीईओ हैं। जो तीसरे नंबर के हैं वो कौन है बता सकते हो आप, सत्य नडेला। कौन है, सत्य नडेला जी हैं। कौन से नंबर पे हैं ये, नाइन्थ पोजीशन पे है, नाइन्थ पोजीशन पे है। तो फ्रेंड ये किस कंपनी के सीईओ हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। किसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इसका लिस्ट टॉप 10 सीईओ की लिस्ट जारी हुई है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जेन सेन हुआंग, जेन सेन हुआंग है। तो ये किस कंपनी के सीईओ हैं, तो एन वीडियो के, एन वीडियो के सीईओ है और ये अमेरिका की एक प्रौद्योगिक कंपनी है। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हो गए हैं, भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हो गए हैं। इसमें फ्रेंड हमारा राइट आंसर आपको बताना है 29, 7, 28, 7, 28 और 9, 29 और 9। तो फ्रेंड इसमें हमारे जो राज्य हैं, हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, वो बताएंगे फ्रेंड क्यों, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, तो वो तो राज्य हटाकर उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, दो केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। तो कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ले लद्दाख, लद्दाख, तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश और बन गए हैं। तो हमारे पास अब 28 राज्य बन चुके हैं और दो इनको जोड़ने के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हो जाते हैं फ्रेंड। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं, हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में पहुंचने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे। तो फ्रेंड इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा, तीसरे भारतीय बने हैं। तो फ्रेंड बता सकते हैं तीनों फॉर्मेट में इनकी रैंकिंग क्या है, तो जो टेस्ट मैच है ना फ्रेंड उसमें तो ये 10वें नंबर पे है, टेस्ट मैच के अंदर तो 10वें नंबर पर है। वनडे में बता सकते हो फ्रेंड कौन से है, वनडे मैच में कौन से नंबर पे है ये, तो वनडे मैच के अंदर ये दूसरे नंबर पर है फ्रेंड। और T20 में बता सकते हो फ्रेंड कौन से है, तो T20 में 7वें। ये तीनों फॉर्मेट यही होगी ना, टेस्ट, वनडे और T20। तो जो पहले दो भारतीय हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है विराट कोहली जी और एक गौतम गंभीर जी, इनसे पहले इस फॉर्मेट लिस्ट में है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तेजी से चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, हाल ही में किसने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तेजी से चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है निर्मल पूजा, भावना डेहरिया, संतोष यादव, बछेंद्री पाल। तो फ्रेंड इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा निर्मल पूजा ने है, सॉरी फ्रेंड निर्मल पूजा नहीं है, निर्मल पूजा है। तो इन्होंने ना, ये है कहाँ से आप बता सकते हो, तो नेपाल के काठमांडू से है। और इन्होंने ना अंतिम चीन की चोटी सी पांगमा पर चढ़ाई की थी फ्रेंड, और इससे पहले है ना कोरिया की पर्वतारोही के नाम ये रिकॉर्ड था, उनका नाम क्या था, किम चोंग हो के ये नाम था। उन्होंने ना 8 साल में ये चढ़ाई की थी, 8 साल में ये चढ़ाई की थी। लेकिन जो निर्मल पूर्जा है ना, इन्होंने ना इसको आप ये मानो लगभग 7 महीनों में इस चढ़ाई को पूरा कर लिया, 7 महीनों से कम में ही 14 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पे चढ़ाई को पूरा कर लिया है फ्रेंड। तो भावना डेहरिया बता सकते हो आप कौन है, तो भावना डेहरिया जी है ना, वो भी जो अफ्रीका महाद्वीप की किलिमांजारो चोटी पे तिरंगा फहराया था, किलिमांजारो। ओके फ्रेंड संतोष यादव,
तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। विश्व की क्या है? पहली महिला थी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह और गर्भपात को कानूनी वैधता दे दी है? हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह और गर्भपात को कानूनी वैधता दे दी है? भारत, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, तो आप बता सकते हो उत्तरी आयरलैंड इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी फ्रेंड बेलफास्ट, बेलफास्ट इसकी राजधानी है। और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग, क्या है यहाँ की? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है फ्रेंड्स। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड? डेविड कैमरून, डेविड डेविड कैमरून यहाँ के प्रधानमंत्री है फ्रेंड। ओके चलते हैं नेक्स्ट। तो हाल ही में यूरोपीय ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम, डोमिनिक थीम। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा एंडी मरे ने यूरोपीय ओपन का खिताब जीता है। तो फ्रेंड यह तो इन्होंने एक पुरुष एकल में जीता है, तो मेन डबल में किसने जीता बता सकते हो आप? तो केविन क्रीटस और क्रेविन क्रीटस और इनके साथ एंड्रियोस मेस, एंड्रियास एंड्रियास मेस ने मैन डबल में खिताब जीता है फ्रेंड। बात रहती है हमारे ऑप्शन की, नोवाक जोकोविच, तो इनके नाम 12 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। राफेल नडाल, तो इन्होंने 19वां ग्रैंड स्लैम, हाल ही में 19वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था, 19वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता था। डोमिनिक थीम, डोमिनिक थीम, तो इन्होंने वियना, वियना ओपन का खिताब हाल ही में जीता है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर किस देश ने 50 रुपए का सिक्का जारी किया है? हाल ही में गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर किस देश ने 50 रुपए का सिक्का जारी किया है फ्रेंड? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया। तो इसमें फ्रेंड हमारा जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान, किसने जारी किया है? पाकिस्तान ने सिक्का जारी किया है फ्रेंड। फ्रेंड इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान सरकार ने एक कार्य और किया है, एक डाक टिकट जारी की है, डाक टिकट जारी किया फ्रेंड। तो बता सकते हो कितने रुपए की डाक टिकट जारी की है? 8 रुपए, 8 रुपए कीमत की एक डाक टिकट जारी भी की है फ्रेंड। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट कर बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी शेखर। तो हाल ही में किसने वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो पृथ्वी शेखर जी ने वर्ल्ड इसमें स्वर्ण पदक जीता है फ्राइड। तो बता सकते हो इन्होंने पुरुष एकल में एक खिताब जीता था, मैन सिंगल में इन्होंने ये खिताब जीता था फ्रेंड। तो ये टूर्नामेंट बता सकते हो फ्रेंड हो कहाँ रही थी? तो तुर्की के अंदर हो रही थी फ्रेंड, तुर्की के अंदर हो रही थी। और यह इसका दूसरा संस्करण था, सेकेंड इसका संस्करण था ये। ओके फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा फ्रेंड आपका आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट कर बताना है फ्रेंड। और साथ में आप कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें करें फ्रेंड। फ्रेंड एक है ना, जैसे आपको अगर वीडियो स्लो लग रहा है भैया, जैसे धीरे बोल रहे हो, तो आप इसमें एक काम किया करो कि वीडियो का ना 2 गुनी स्पीड पर करके आप इसको देख लिया करो। ओके फ्रेंड थैंक यू।